हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करें आज बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये है आपका उत्तर प्रदेश में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड लगाए हुए हैं दंगाइयों के, उसी से संबंधित है आर्टिकल आपका पूरा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर लोक संपत्ति होती क्या है, अध्यादेश के प्रावधान देखेंगे जो सरकार अध्यादेश लाई है, फूरों के कानून भी देखेंगे, उत्पन्न मुद्दे देखेंगे, विधि का शासन देखेंगे और न्यायपालिका का बनाम कार्यपालिका देखेंगे, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसे देखेंगे, अध्यादेश की औचित्यता देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोग अपना व्यू भी दीजिए कि सरकार अच्छा कर रही है या गलत कर रही है, ठीक है। हड़ताल, बंद, दंगों और लोक उपद्रव के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई कराने के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश सरकारी गजट में अधिसूचित हो गया है। अध्यादेश को लागू करने के लिए सरकार नियमावली बना सकती। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिए, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे वो ट्रेन, बसें जलाई जा रही हो, या कोई भी आपकी सरकारी संपत्ति में क्षति पहुंचाई जा रही हो, उसकी भरपाई आप लोग ही करते हैं अपने टैक्स द्वारा, ठीक है। अगर वो नहीं भरेंगे तो आप लोग भरेंगे, क्योंकि आपसे जो टैक्स लिया जाता है, आप सोचते होंगे आपकी वो मैं टैक्स भरता ही नहीं हूँ, तो याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि जो आप पहले साबुन खरीदते थे वो 5 रुपये का आता था, और वही साबुन, उतना ही साबुन क्वांटिटी उसकी 10 रुपये का आने लगा, वो महंगा हो गया। साबुन उतना ही है लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया, तो यही तो हो रहा है। जब महंगाई होगी तो आप लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा। जो भी पैसा आ रहा है देश में वो आप लोगों से ही तो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप इनडायरेक्ट कह लीजिए फिर डायरेक्ट कह लीजिए, बराबर है। लखनऊ में 19 दिसंबर 2019 को सीए के विरोध के दौरान जमकर बवाल हुआ। राज्य सरकार ने हिंसा के आरोप में दर्जन लोगों को पर मुकदमा दर्ज किया था। 57 लोगों को नोटिस भेजकर निजी और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया था। इन सभी की तस्वीरों वाला पोस्टर शहर में जगह जगह लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस ने लगवाए थे। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों व ऐसे अन्य आयोजनों के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के अध्यादेश को शुक्रवार को कैबिनेट में की बैठक में रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड पॉवर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। लोक संपत्ति आखिर होती क्या है, इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। लोक संपत्ति नुकसान विधायक निवारक अधिनियम 1984 के अनुसार लोक संपत्ति से अभिप्रेत है ऐसी कोई संपत्ति, चाहे वह स्थावर हो या जंगम, जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी है जो निम्नलिखित के स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण के अधीन आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा, या उसके अधीन स्थापित निगम, या फिर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी, या फिर ऐसी संस्था, संविधान या उपक्रम जिसे केंद्र सरकार या सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे नियमित विनिर्दिष्ट करें। अध्यादेश के प्रावधान देखते हैं, अध्यादेश के प्रावधान देखते हैं। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा, उसका फैसला अंतिम होगा, उसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। क्षतिपूर्ति पाने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना की 3 माह के अंदर दावा
अधिकरण के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिन के विलंब को अधिकरण माफ कर सकता है यदि आवेदक इसकी वाजिब वजह बताता है। अध्यादेश के मुताबिक संपत्ति के नुकसान की एफ आई आर पर आधारित संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट और इस दौरान एकत्रित किए गए अन्य सूचनाएं प्राप्त होने पर डीएम या पुलिस कमिश्नर या कार्यालय प्रमुख को लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर के अधिकरण के समक्ष दावा खारिज याचिका दाखिल करने के लिए कदम उठाना होगा। वही क्षतिपूर्ति हुई क्षतिग्रस्त हुई निजी संपत्ति के मालिक को संबंधित थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी से ऐसी रिपोर्ट की विधि हासिल करने के बाद अपनी दावा याचिका 3 माह के अंदर दाखिल करनी होगी। मुआवजे के लिए दाखिल किए जाने वाले आवेदन या दावा याचिका के साथ न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में ₹25 की फीस लगेगी। मुआवजे से विभिन्न सभी आवेदन ₹50 की न्यायालयीय फीस स्टाम्प के साथ स्टाम्पित होंगे। समन किए गए प्रत्येक साक्षी या पक्षकार के लिए ₹100 की प्रक्रिया फीस न्यायालयीय फीस स्टाम्प के रूप में होगी। दावा याचिका में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले या इससे इसके लिए उकसाने वाले पुलिस की रिपोर्ट में नामित लोग विरोध प्रदर्शन को प्रायोजित करने वालों को वित्तीयवादियों के तौर पर शामिल किया जा सकता है। दावा अधिकरणों ऐसे प्रतिवादी की संपत्ति को रोक लगेगा लेगा साथ ही प्राधिकारियों को निर्देश देगा कि वह वित्तीयवादी की संपत्ति नहीं खरीदने के बारे में सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर चेतावनी जारी करे और इसके साथ उसका नाम पता व फोटोग्राफ प्रकाशित करे। अधिकरण क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिए कलेक्टर को प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। कलेक्टर उसकी वसूली भू राजस्व के बकाए की तरह करेगा। अधिकरण अनुकरणीय क्षति के तौर पर मुआवजे की दुगनी राशि भी धनराशि भी वसूलने की का आदेश दे सकता है। अधिकरण जांच और नुकसान के आकलन के लिए दावा आयुक्त की तैनाती कर सकता है। दावा आयुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर से निचले स्तर का अधिकारी नहीं होगा। अधिकरण दावा आयुक्त की मदद के लिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल में एक एक सर्वेयर की नियुक्ति कर सकता है जो नुकसान के आकलन में तकनीकी विशेषज्ञ की भूमिका निभाएगा। दावा आयुक्त 3 महीने या बढ़ाई गई अवधि के बीच अधिकरण को रिपोर्ट सौंपेगा। अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई के बाद दायित्व तय करेगा। दावा अधिकरण में सदस्यों की संख्या राज्य सरकार जैसा उचित समझे उतनी होगी। जहां 2 या 2 से अधिक सदस्यों वहां उनके एक सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाएगी। अधिकरण का अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज और सदस्य में अपर आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा। किसी क्षेत्र के लिए 2 या उससे अधिक अधिकरण गठित किए जाने पर वहां राज्य सरकार उनके बीच कार्यवाटन आवंटन कर सकती है। अब बात करते हैं जो पूर्व में के कानून थे उन्हें भी। लोक संपत्ति क्षति से संरक्षण अधिनियम 1984 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2007 तथा 2009 में प्रदत्त दिशा निर्देश भी थे। बात करते हैं उत्पन्न मुद्दे क्या है। उत्पन्न मुद्दे देखो, विरोध करना किसी भी चीज का सबका अधिकार है लेकिन शांतिपूर्ण अधिकार ही अपना अपनाइए। अब ऐसा नहीं कि आप संपत्ति को तोड़ रहे, सरकारी संपत्ति को जला रहे, ये तो गलत बात है ना। उसकी भरपाई हम ही लोग करते हैं, उसमें सरकार का क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो कर लेगी पूर्ति अपनी। तो मुझे तो एक कदम अच्छा लगा था वसूली का, क्योंकि अगर जो उसकी तोड़फोड़ कर रहा है, कोई बस जला रहा है या ट्रेन जला रहा है, तो उसकी भरपाई वही तो करे जिसने नुकसान पहुंचाया। अब हम लोग क्यों करें, बेचारी गरीब जनता क्यों करे उसका भरण पोषण। मूल कर्तव्य व मूल अधिकारों में सामंजस्य। जहां एक तरफ संविधान के मूल कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण सम्मिलित है, देखिए जहां एक तरफ संविधान के मूल कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण सम्मिलित है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की
सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। वहीं दूसरी तरफ मूल अधिकारों में व्यक्ति की निजता को ध्यान दिया गया है। यहाँ एक ओर जहाँ कतिपय व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर नागरिक मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिना किसी न्याय संगत प्रक्रिया का पालन किए उन व्यक्तियों का पोस्टर लगवाना संविधान में वर्णित निजता के अधिकार का उल्लंघन है। राज्य दायित्व बनाम व्यक्तिगत अधिकार। नागरिकों के जान माल के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना राज्य का दायित्व है, परंतु उसके साथ ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व है। इस प्रकरण में जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश द्वारा तुरंत कार्रवाई का वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, एक कर्तव्य का निर्वहन किया, परंतु कानून को बहुत लच्छी तरीके से लागू व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन भी किया है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। अध्यादेश के एक प्रावधान के अनुसार यदि वादी नियत समय पर अधिकरण समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो एक तरफा कार्यवाही का प्रावधान किया गया है तथा यह प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का खंडन करता है। विधि का शासन। लोकतांत्रिक संविधानिक राष्ट्रों में विधि से के शासन की अवधारणा सदैव प्रबल होनी चाहिए। यह अध्यादेश सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति हेतु संरचनात्मक व्यवस्था को प्रबल करेगा, परंतु इसके पूर्व लिए गए पोस्टर प्रदर्शन जैसे कदम कहीं ना कहीं विधि के शासन की अवधारणा को खंडित करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रमुख आलोचना यह है कि सरकार ने इस मुद्दे पर स्वयं ही वादी प्रतिवादी और न्यायकर्ता की भूमिका का निर्वहन किया जो विधि के शासन को खंडित करता है। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका। जहाँ एक तरफ सरकार ने इस मुद्दे पर स्वयं ही वादी प्रतिवादी तथा न्यायकर्ता की भूमिका का निर्वहन कर अपनी कार्यपालिका पालकीय सीमा का उल्लंघन किया है, वहीं कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह अध्यादेश मात्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निर्णय के आधार पर लिया गया है। अध्यादेश की औचित्यता। चूंकि यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में है तथा इसका निर्णय आना शेष है, यह अध्यादेश कहाँ तक कारगर होगा यह करना जल्दबाजी होगी। इस अध्यादेश की औचित्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर उत्पन्न विचारधारात्मक संकट का निवारण करने में निश्चित रूप से सफल होगा, परंतु जनता को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता का स्वच्छंदता नहीं होता है। क्षतिपूर्ति विषय इस अध्यादेश की मूल भावना उचित है, परंतु यह संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। किया तो जाना चाहिए, वसूली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें क्या, अगर आप नुकसान कर रहे हैं किसी सार्वजनिक संपत्ति का तो उसकी भरपाई आपसे ही होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है, एक बात समझ लीजिए, कोई भी हो, अगर जनता है तो वो पिसेगी। अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है और अपने अधिकारों के, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा स्वीकार लीजिए। तो चाहे आपके कोई भी नेता हो, किसी भी जाति के हो, आप पिसोगे, आपके बच्चे भीख ही मांगेंगे जिस तरह आप लोग जिंदगी गुजार रहे हो। ठीक है, नेता नेता होता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं बना। मैंने देखा है कि अभी तक लोग बोलते हैं, वो कई नेता हैं अपनी जाति को लेकर चलते हैं, उन्हीं जाति में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर में खाने के लिए अच्छे से खाना नहीं है, वो बने फिरते हैं जिन जाति के नेता। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेता अपना काम चला रहे हो, तुम्हें बस पीस रहे हैं। चलिए ठीक है, अपना विचार जरूर दीजिए इस पर। ठीक है, किस क्या सरकार अच्छा कर रही है या गलत कर रही है।